क्या बे दादा, अबे यहाँ बैठा तू। क्या रे दादा, कैसा होगा अपने गांव का? अरे हाँ ना कल्लू भाई, अरे शहर के लोग कैसे भारी भारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते, अरे बड़े बड़े इनाम जीतते, और अपने गांव के लोग कुछ भी नहीं करते। अबे वो क्या है ना दादा, अपने गांव के लोगों को खाली खाना और सोना मालूम है। आओ सही बोले तुम, अरे अपने गांव के ना बहुत ज्यादा हीरे गुंडे लोग है। अरे मैं क्या बोलता कल्लू भाई, अरे अपन ही कुछ प्रोग्राम रखते ना, अरे ऐसा कुछ करते ना जिससे गांव वालों को भी मजा आए और अपनों को भी मजा आए। मगर दादा मैं क्या बोल रहा, अबे जिसको तू प्रोग्राम प्रोग्राम बोल रहा ना, अबे उसको कंपटीशन बोलते। अरे हाँ ना यार, अरे मेरे को इतनी अंग्रेजी आती तो कुत्ते नंगे थोड़ी फिरते, चड्डी पहन के फिरते। अपन ना गांव में कुछ कंपटीशन रखते, पर क्या कंपटीशन रखना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे मैं क्या बोल रहा दादा, अपन ना खाने का कंपटीशन करते, अबे बहुत मजा आएगा। हाँ यार कल्लू भैया सही बोले तुमने, अपने गांव में ना बहुत ही खाओगुल्ले लोग हैं। फिर अबे अपने को ना बहुत ढेर मिलेंगे खाओगुल्ला, जैसे वो नाना खाओगुल्ला, वो इरफान सूरती खाओगुल्ला। हाँ ना, और वो गुल्लू दादा मुँह चुआ पेट कुआ। अरे हाँ ना कल्लू भैया, क्या बताऊँ तुमको, अरे बहुत खाता हूँ। अपन ना ये सबके बीच में ना खाने का कंपटीशन लगा देते। पर मैं क्या बोल रहा दादा, अपन ना केला खिलाने का कंपटीशन रखेंगे, क्योंकि केला ना सस्ता मिलता है, अपना खर्चा बच जाएगा। कल्लू भैया एक बात बोलूंगा, तुम दिखने में ना ऐसी दिखते हो पर बहुत समझदारी के बात करते तू। तुम ना कल्लू भैया पूरा गांव में ना ऐलान कर दो, क्या हम ना खाने का कंपटीशन रख रहे, जिसको जिसको आने का आ जाए। हाँ ये सही बात बोला तू, अब भी देख मैं ढिंडोरा पीट देता पूरे गांव में। चल कर ले। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में छोटू दादा ने खाने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा है, जिसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है वो गांव के बाहर मौसी के वाड़े में आ जाए। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में छोटू दादा ने खाने का कंपटीशन रखा है, जिस किसी को इसमें हिस्सा लेना है गांव के बाहर मौसी के वाड़े में आ जाए। अय्या कल्लू भैया, खाने का कंपटीशन है क्या जी? अरे हाँ फिर, अरे बहुत बड़ा खाने का कंपटीशन है और उसमें ना इनाम भी मिलेगा, जरूर आना है क्या? हाँ जी मैं तो जरूर आऊंगा जी, है ना? चलो चलो चलो। अय्या जी छोटू ने बहुत अच्छा काम किया जी, खाने का कंपटीशन देखा मैं जरूर भाग लूंगा, मैंने ना दो दिन से कुछ भी नहीं खाया जी, और ये कंपटीशन ना मैं ही जीतूंगा जी। जा रहे हो फूले ले भुगे, ये कंपटीशन तो मैं जीतूंगा मालूम देखो। अय्यो तू कैसे जीतेगा जी, हमारा पेट देखा कितना बड़ा, तू तो सुखा बम्बिल जी। कंपटीशन तो मैं जीतूंगा, मेरा मुंह चूहा है ना मेरा पेट कुआ है। अय्यो जी कंपटीशन में क्या खाने का है ये हमको मालूम ही नहीं जी। अरे वहाँ खाने में कुछ भी हो अपन को सब चलता, और ये कंपटीशन ना मैं जीतूंगा मालूम देखो। अय्यो जी तुमको तो मालूम ही नहीं हमको सब से क्यों भगाया। क्यों भगाए? वो क्या हुआ ना जी, हमको शादी में खाने का दावत था और हम है ना गलती से सबसे पहले खाने को बैठ गया जी। फिर क्या हुआ जी? वो क्या हुआ ना, फिर हम पहले खाने को बैठ गया, सारा खाना हमने खा लिया और पूरे बाराती भूख रह गए जी। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या होगा जी, हमको मार मार के सबसे भगा दिया जी। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ जी। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में छोटू दादा ने एक खाने का कंपटीशन रखा है, जिस किसी को हिस्सा लेना है हमारे गांव के बाहर। यार ये कल्लू भैया को बोला था सारे गांव में ऐलान कर, ये गांव के बाहर तो नहीं निकल गया अभी तक, क्या आया नहीं यार ये भी। फिर वो कल्लू पूरे गांव में ढोल बजाते ऐलान करते फिर रहा, फिर छोटू ने
खाने का कंपटीशन रखा, सही बात है घेरे। हाँ फिर अरे मैंने रखा ना खाने का कंपटीशन। कुछ पैसे उसे तो नहीं लेंगे ना, फुकट गिला रहा ना बा। अरे कोई पैसे नहीं है, और एक बात, जो सबसे ज्यादा खाएगा ना अरे उसको इनाम भी दूंगा मैं। क्या बात कर रहा दादा, ज्यादा खाओ भी और इनाम भी लेके जाओ। सोने पे सुहागा कर दे रहा दादा तू हमारा। दादा तू ये समझ ले कि ये कंपटीशन ना मैं जीतने वाला है। पर एक बात, अपने गांव में ना एक से बड़े एक खाऊगुल्ले, और हो सकता वो नाना खाऊगुल्ला भी आ सकता। दादा तेरे को एक बात बोलूं क्या, एक जगह ना 40वें में हम दोनों बिंदावती घुस के खाना खा रहे थे, उसमें मैंने हरा दिया था उसको। अरे दादा यहाँ तो इनाम की बात है, यहाँ तो मैं इतना खा लूंगा ना कि मेरा पेट भी फूट गया ना तो चलेगा। oh, no. इनाम भी मैं लेके जाऊंगा। ठीक है फिर कल आ जाना कंपटीशन में। अरे दादा मैं तो आज से ही खाना बंद कर दूंगा, और सुबह है ना नमक का पानी जग भर के पी डालूंगा। आता मैं। अरे ये लेको मालूम नहीं है कि कंपटीशन में खाने के वास्ते केले, पहले नमक का पानी पी के हुआ मैं। अरे नाना खाओ बोला तो बहुत स्पीड में खा रहा है, और ये क्या सुनती भी छिलके के साथ में लगा रहा है, और ये गुल्लू दादा भी किसी से कम नहीं है, गुल्लू दादा भी लगे ले एक के पीछे एक केले खाते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नाना को टिप लेंगे। और ये डबलू डबलू भी किसी से कम नहीं, खाली मुंडी झुका के केले खाते जा रहा है खाते जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना से आगे निकल जाएगा वो। अरे मेरा बाप रे बाप, यहाँ पे कोई भी किसी से हारने के लिए तैयार नहीं है, अपना नाना खाओ बोला सबसे आगे 12 केले खा चुके, मालूम नहीं कहा जाके रुकेगा। बाकी जहाँ भी रुकेगा मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे आगे वो रहेगा। गुल्लू दादा गेम से आउट नहीं हुआ, वो टेम पुलिस बोल के आगने गया आगने। और दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ये गुल्लू दादा का अधूरा गेम कल्लू भैया पूरा करें। अबे दादा मेरे को ना सकर है, और डॉक्टर ने केले खाने से मना करा है। तो हाँ दोस्तों कल्लू भैया ने उनका प्रॉब्लम बता दिए ले, तो ये कॉम्पिटिशन सिर्फ 3 लोगों में होगा। हाँ खाना शुरू करो। और ये तीनों में कंपटीशन मस्त तो चल रहा है, और मैं ये क्या देख रहा हूँ ये दोनों की स्पीड कम हो गई है, मेरे को लगता है ये कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। और भाइयों देखो ये मोटा भोपला रुकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सिर्फ खाता जा रहा है खाता जा रहा है, एकदम सुपर फास्ट गाड़ी की जैसा। मुझे तो लगता है कि जाके बम्बई रुकेगा, और ये दोनों तो स्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दोनों की स्पीड एकदम कम हो गई है, मेरे को लगता है इन दोनों की विकेट कब भी गिरने वाली है, और इन दोनों के मुंह केले से फूल हो गए हैं, और मेरे को लगता है अब ये केले खा ही नहीं पाएंगे। और ये क्या ये दोनों आउट हो गए, और ये क्या ये मोटा पूरा खाते जा रहे खाते जा रहे, और अभी 1.5 मिनट हुए, लगता है ये मुड़ा पूरे 2 मिनट तक के खाते रहेगा, और ये खाते जा रहे खाते जा रहे। Oh no! क्या गल्लू भैया, अरे ये मोटा तो हिल भी नहीं रहा। हाँ ना यार चला देखते उसको। क्या कुल्लू भाई, अबे मेरे को तो लगता मर गया ये,
अब क्या होगा? अबे अब क्या होगा, अब अपने को जेल होगी। क्या? हाँ। हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आपको छोटू का फूड कंपटीशन ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।